वेलकम टू टेली न्यूज 24। बिग बॉस 14 के घर में हुआ है आज एक बहुत बड़ा झगड़ा। जैसा कि आप जानती हैं कि इन दिनों देवोलीना के घर में बहुत ज्यादा लफड़े होना शुरू हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके देवोलीना शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। और देवोलीना अब जो कर रही हैं उससे तो उनकी नेगेटिव इमेज बन गई है और लोगों ने तो उनके बारे में तमाम बातें लिखनी भी शुरू कर दी हैं और बता दिया है कि ये कितनी कॉन्ट्रोवर्सी करती है। बिग बॉस 13 में भी की और अब बिग बॉस 14 में भी करने की कोशिश कर रही है और वो रुबीना को पोक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, देवो को फटकार लगी है बिग बॉस से। जी हाँ, बिग बॉस को आ गया है गुस्सा और देवोलीना को दे दिया बिग बॉस ने सजा। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि देवो और अर्शी के बीच में होता है झगड़ा, जिसके बाद देवो उसमें रुबीना को बीच में लेके आती है, क्योंकि झगड़े में देवो अर्शी खान को मिडिल फिंगर दिखाती हैं, जिसके बाद बिग बॉस सजा के तौर पर देवोलीना को 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। तभी देवो बोलती हुई नजर आती हैं कि जब रुबीना ने फिंगर दिखाई थी तो उसे तो नॉमिनेट नहीं किया गया था, जिस पर अर्शी खान बोलती हैं कि रुबीना ने मिडिल फिंगर नहीं दिखाई थी, रुबीना ने लिटिल फिंगर दिखाई थी और उसके लिए तो सलमान खान ने रुबीना को बहुत डांट भी लगाई थी, लेकिन तुमने तो मुझे मिडिल फिंगर दिखाई है और उसका मतलब तो सब जानते ही हैं। जिसके बाद देवोलीना को इसके लिए लग गई है फटकार और मैडम हो गई है 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट। और आपको बता दें कि अब बिग बॉस के फिनाले में बचे हैं सिर्फ 3 हफ्ते, तो क्या कहना है आपको देवोलीना के स्टेटमेंट पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, देवोलीना ने जो किया वो सही था या फिर गलत।